चंपारण जिले के ग्राम हरपुर कॉलोनी, जहां पर एक ही सरकारी विद्यालय है। ग्राम की कुल आबादी करीब 1200 है और बच्चों की संख्या 300 है, पर स्कूल में नामांकन मात्र 183 बच्चों की है। पर विद्यालय में अनियमितता के कारण 10 से 15 बच्चे ही स्कूल में देखे जाते थे। कहाँ पढ़ती है? हरपुर को। आज क्यों नहीं पढ़ने गई है? सर जी नहीं कल भाई। शिक्षक रोज नहीं आते हैं? नहीं, कभी कभी आते हैं, कभी नहीं आते। बैठ जाते हैं, सिर बैठ के गोर हिलाते हैं, सूर जाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं ठीक से। स्कूल के बच्चे जो जाते हैं, इन लोगों का जो है पैसा मिल रहा है, चावल दाल जो भी मिल रहा है खाने के लिए, वो नहीं मिल पा रहा है। वो बच्चा जा रहा है घूम के, सब आ जा रहा है, उन लोगों का कोई मतलब वो नहीं है। मास्टर लोग जो है कभी 10:30 बजे, कभी 11 बजे आते हैं, बस बच्चे को अपना कुर्सी लगाएंगे, बैठेंगे और उसके बाद फिर चले जाएंगे। उससे कोई वास्ता ही नहीं है। बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उससे कोई वास्ता नहीं है। जिस समस्या को गंभीरता से लेते हुए अध्ययन किया तो पता चला कि स्कूल में महीने से MDM बंद है। स्कूल निर्माण का पैसा 2 साल पहले प्रधान शिक्षक के द्वारा निकाल लिया गया है, पर निर्माण अधूरा पड़ा है। जिस संबंध में मैंने प्रधान शिक्षक राम भोजूराम से बात किया और विद्यालय का अभिलेख मांगी तो बोला कि मेरे पास नहीं है, और पैसे और चावल नहीं होने का बहाना बनाते गए। मैं अपने समुदाय के मदद के साथ विद्यालय में हो रही अनियमितताओं को दूर करने में सक्षम थे। मुझे लगा था कि सामूहिक प्रयास ही बदलाव ला सकता है। और सभी समुदाय को वीडियो दिखाई, शिक्षा अधिकार अधिनियम कानून के विस्तार से बताई और लोक भागीदारी सुनिश्चित करने पर पहल शुरू की, और सूचना का अधिकार कानून के बारे में बताते हुए फॉर्म फिलअप करके BO को दिया गया, जिसके आलोक में BO श्री विजय कुमार वर्मा ने सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रधान शिक्षक राम भोजूराम से स्पष्टीकरण की मांग किया और निर्माण कार्य शुरू करने का आदेश दिया। देखिए, यहाँ के ग्रामीण जनता BRC गए थे और हरपुर विद्यालय कॉलोनी जो विद्यालय है इसके संबंध में अपना शिकायत वहाँ पर दिए थे और उस शिकायत को जांच पड़ताल करने के लिए BO ने हमें अधिकृत किया है और यहाँ पर आए हैं। हमने जो जो शिकायत था उसके अलावा भी पुनः लोगों से पूछा है, कोई अन्य शिकायत अगर हो तो उसको भी आप लोगों ने दर्ज कराए। लोगों ने उसको भी दर्ज कराया गया है। दर्ज कराने के बाद लोगों के बीच सारी बातों रखी गई और लोगों ने एक सार्वजनिक रूप से सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव बनाया है कि इस प्रस्ताव को अगर लागू करा दिया जाता है तो विद्यालय सही ढंग से चलेगा और हम अपना जांच प्रतिवेदन अपने अधिकारी को देंगे और फिर विभागीय इस पर कार्रवाई शुरू करेगी। जिसके ठीक महीने दिन के ही भीतर छत की ढलैया हो गई और मिट्टी भराई करके फर्श तैयार कर बच्चों के बैठने की व्यवस्था कर दिया गया। शिक्षक कैसे व्यवहार करते हैं आपके साथ? सही समय से विद्यालय शिक्षक आते हैं? पढ़ाई अच्छा से हो रही है? कोई दिक्कत नहीं ना है? पहले तो मास्टर लोग भी टाइम से नहीं आते थे, चापाकल भी नहीं थे और स्कूल भी अच्छे तरह बने भी नहीं थे, छाप भी नहीं थे। सभी चीज में थोड़ा परिवर्तन हुआ। अब सब कुछ परिवर्तन हो गया है। मैं तंजू पश्चिम चंपारण बिहार से इंडिया हाल्ट के लिए।